केदारनाथ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और पहली बार ये हो रहा है कि मैं केदारनाथ से ट्रैक्टर में नीचे जा रहा हूँ। यूँ तो आपने घोड़े की सवारी देखी होगी, पैदल यात्री देखेंगे केदारनाथ में। अब यहाँ पे भाई जो सड़क है वो एकदम संकरी है, मतलब आप देख सकते हैं एकदम 4 फीट की सड़क है और उसमें इतना हैवी ट्रैक्टर चलाना बहुत बड़ी बात है भाई। नमस्कार, मैं इस समय केदारनाथ यात्रा पे हूँ और आपने दुनिया भर में ड्राइवर देखे होंगे लेकिन दुनिया के सबसे हैवी ड्राइवर से मैं आज आपको मिलाता हूँ। हम लोग केदारनाथ से नीचे जाने वाले गोरीकुंड ट्रैक्टर में, और चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे केदारनाथ से गोरीकुंड जाता है ये ट्रैक्टर, पूरा आप देखिएगा। और ये सफर हमारा शुरू हो चुका है केदारनाथ से गोरीकुंड की ओर, और आप देखेंगे इतने ढलान भरे पहाड़ी रास्ते में कैसे ये गाड़ी नीचे उतरेगी जहाँ पे लोग पैदल नहीं चल पाते हैं। बड़ा टास्क है। जो आदमी चला रहा है ना उससे ज्यादा तो हम डर रहे हैं जो बैठा हुआ है यहाँ पे। जब मैं शुरू में गाड़ी में बैठा था तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी भाई बहुत खतरनाक है। ये ड्राइवर को मानना पड़ेगा भाई, सल्यूट है इस ड्राइवर को। मतलब केदारनाथ में ऊपर नीचे यार 20 किलोमीटर ये ट्रैक्टर चलाना, असली जो कहते हैं ना थार, ये है भाई थार, पहाड़ों की राजा, पहाड़ों का थार, और ड्राइवर है राम। ये देखो आप, पीछे बर्फ के पहाड़, एकदम ढलान में जाती हुई ये गाड़ी, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक ड्राइविंग। आप देखो यहाँ देखो, तो केदारनाथ से हम 2 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं और ड्राइविंग तो भाई अलग ही लेवल की हो रही है। मतलब क्या बंदे हैं यार ये लोग। और नीचे घाटी देखो आप, ये देखो नीचे घाटी, वहाँ जाना है हमें, ये है रास्ता। यहाँ पे रास्ता बहुत संकरा है और अगर थोड़ी सी ऊंच नीच में तो आदमी सीधे नदी में जाएगा, नीचे खाई है देखो। तो अच्छा जिगरा चाहिए और साथ ही साथ में अच्छी स्किल चाहिए, क्या मतलब अंदाजा है, क्या आइडिया है। आप देखो नीचे गहरी खाई है, गोरीकुंड यहाँ से अब मात्र 13 किलोमीटर है। पर इसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए, ये पलट भी जाता है बहुत बार। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रामबाड़ा में और यहां से नदी को करेंगे पार, और वीडियो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहां पे होने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत खतरनाक है भाई। मतलब ड्राइविंग के जो असली स्किल है वो यहां पे टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे पकड़ी है गाड़ी ने स्पीड, खाली है रोड, थोड़ा प्लेन भी है तो पूरा स्पीड पकड़ा हुआ है गाड़ी ने भाई। यहाँ पे पूरा रास्ता टूटा हुआ है, ओ भाई क्या नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग है यार।